word related to human, that is humanity. ठीक है यहाँ पे जो भी एक लेक्चर हुए मोटिवेशनल के स्टूडेंट्स के लिए चाहे वो कॉन्फिडेंस की बात हो एम की बात हो गोल की बात हो किसी वजह की बात हो बट द लेक्चर आई एम गोइंग टू गिव इट गोज़ टू ऑल ऑफ द ह्यूमन कम्युनिटी फॉर एग्जांपल हमारी एम की किसी इंसान का एक एम है कि उसे करोड़पति बनना है स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन है उसके पास फुल कॉन्फिडेंस है एम है उसके पास उसका एक गोल है वजह है उसके पास जीने की लेकिन अगर वो अपना एम पूरा करने के लिए किसी करोड़पति इंसान का मर्डर कर देता है तो क्या वो सही है सही मायनों में उसका एम पूरा नहीं होगा तो इसलिए इंसानियत ह्यूमैनिटी किसी भी लाइफ में मस्ट है इंसानियत होनी ही ज़रूरी है अजीब पहलू है ये ज़िंदगी का दोस्तों जहाँ इंसान पैसे के लालच में इंसान और इंसानियत दोनों का कत्ल कर देता है इंसान का परंतु इंसान का इंसानियत से वही रिश्ता होना चाहिए जो एक आँख और हाथ का होता है आँख और हाथ का रिश्ता कैसा होता है किसी को पता है जब हाथ पे चोट लगती है तो आंखों में आंसू आते हैं और जब आंखों में आंसू आते हैं तो वही हाथों को साफ करता है तो दिया चाहे माटी का हो या सोने का महत्व की बात ये नहीं महत्व की बात ये है कि वो अंधेरे में प्रकाश कितना देता है तो इसलिए दोस्तों अच्छे लोगों को याद करने की जरूरत नहीं पड़ती उनको याद रह जाते हैं तो इसलिए मैं अब एक पोयम हर एक इंसान की दिनचर्या कैसे बीतती है मतलब सिंबॉलिकल पोयम जो समझाना चाहोगे सिंबल्स को क्या सिंबलाइज कैसे कर रहे हैं कि अर्थ है आउटसाइड वर्ल्ड है हमारा एक्सेप्ट हमारे जिला और इसके अंदर पानी में हमारे लिए पूरा समाज है पूरी पृथ्वी और पानी के अंदर जो है मतलब हमारे सोशल इवील्स हमारे समाज की बुराइयाँ और इससे क्या इसका कोई भी ह्यूमन जिसको बहुत गजब की प्यास होती है वो सर्वाइव करना चाहता है लेकिन पता होते भी कि हमारे समाज में कितनी बुराई है वो अपना एम अचीव करना चाहता है तो कैसे क्या कहता है एक पोएम क्या खूब लिखा है किसी ने प्यास लगी थी गजब की मगर पानी में जहर था पीते तो मर जाते और ना पीते तो भी मर जाते बस यही तो मसले जिंदगी भर हल ना हुए ना नींद पूरी हुई ना ख्वाब मुकम्मल हुए सुबह सुबह उठना पड़ता है कमाने के लिए साहब आराम कमाने के लिए निकलता हूँ आराम छोड़कर वक्त ने कहा काश थोड़ा और सब्र होता सब्र ने कहा काश थोड़ा और वक्त होता लौट आता हूँ रोज घर की ओर थका हारा लेकिन आज तक समझ नहीं आया कि काम करने के लिए जीता हूँ या जीने के लिए काम करता हूँ अजीब सौदागर है ये वक्त भी अमीरी का लालच देकर ये बचपन और जिंदगी भी ले गया हुनर सड़कों पर तमाशा करता है और किस्मत महलों में डांस करती है जब लगे पैसा कमाने तो समझ आया कि शौक तो माँ बाप के पैसे से पूरे होते थे अपने पैसों से तो सिर्फ जरूरतें पूरी होती हैं शिकायतें तो बहुत हैं तुझसे जिंदगी पर चुप इसलिए हूँ जो दिया तूने बहुतों को वो भी नसीब नहीं होता थक गया हूँ तेरी नौकरी से जिंदगी मुनासिब यही होगा कि मेरा हिसाब कर दे जब कोई पूछे कि कैसे हो तो मज़े में हूँ कहना पड़ता है हंसने की इच्छा ना हो तो भी हंसना पड़ता है ये जिंदगी का रंगमंच है दोस्तों यहाँ हर एक को नाटक करना पड़ता है माचिस की ज़रूरत यहाँ नहीं यहाँ इंसान इंसान से जलता है दुनिया के बड़े से बड़े साइंटिस्ट ये खोजने में लगे हुए हैं कि मंगल ग्रह पर जीवन है या नहीं जबकि इंसान को ये सोचना चाहिए कि जीवन मंगल है या नहीं तो दोस्तों यहाँ पे लाइन आई है कि माचिस की ज़रूरत यहाँ नहीं यहाँ इंसान इंसान से जलता है आप कितने भी अपना एम अचीव कर लो एक ग्रेट अचीवमेंट अगर आपने हासिल की है तो कोई भी दिल से खुश नहीं होगा कोई भी ऊपर से सारे बधाइयां देंगे कि ठीक है तुमने बहुत अच्छा किया ये वो लेकिन
पिता ही दुनिया में ऐसे इंसान है जो सही मायनों में चाहता है कि उसके औलाद उससे कुछ बढ़कर काम करे। कोई भी इंसान ये नहीं चाहता कि आप उससे कुछ बेहतर करके दिखाएं। तो दोस्तों, इंसान का इंसान से वही रिश्ता होना चाहिए जैसे मैंने बोला कि आंख और हाथ को होता है। तो अभी माचिस की जरूरत यहाँ नहीं है, इंसान इंसान से चलता है। तो इंसान इंसान से जलता है, सबको पता है, लेकिन फिर भी मतलब समाज में सर्वाइव करता है। तो दोस्तों ठीक है, फ्रेंड्स तो सभी को बधाई देते हैं, फ्रेंड्स हुए, एक मम्मी पापा हुए, सिर्फ ये दो दिल से चाहते हैं इंसान कि आप लोग कुछ ग्रेट अचीवमेंट हासिल करो। आपके पड़ोसी हैं, आपके रिश्तेदार हैं, कभी नहीं चाहेंगे कि आप लोग कुछ बेहतर करके दिखाओ। सिर्फ पिता ही ऐसे इंसान है जो सही मायने में चाहते हैं कि उसके औलाद उससे कुछ बढ़कर करके दिखाए। तो दोस्तों एक लाइन कहना चाहूँगी कि जरूरी नहीं होता कि हर पल जुबान पर भगवान का नाम आए, जरूरी नहीं होता कि हर पल जुबान पर भगवान का नाम आए, वो लम्हा भी भक्ति का जब इंसान इंसान के काम आए। दोस्तों जहाँ इतने सब लोग बैठे हैं तो इनके लिए सिर्फ भगवान से दो शब्दों में प्रार्थना करना चाहूंगी कि इंसानियत को हमारे दिल से ना निकालें। मुझे हम कितना भी बड़ा कितना भी गोल अचीव कर लें, लेकिन इंसानियत हमारे अंदर सदैव जगी होनी चाहिए। दो शब्दों में एक गीत के द्वारा, अपनी पनाह हमें हमें रखना, सीखे हमने एक राह पर चलना, अपनी पनाह हमें हमें रखना, सीखे हमने करुणा की छाँव में हमें रखना।